नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। 2521 जेबीटी शिक्षकों की होगी नियुक्ति, बैच वाइज भर्ती की तैयारी, जिलों से तलब किया ब्यौरा। हिमाचल प्रदेश में भर्ती किए जाने वाले 2521 जेबीटी की नियुक्तियों में ऐसे स्कूलों को प्राथमिकता दी जाएगी जो मात्र एक एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। वह प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने बैच वाइज भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। इस बाबत जिलों से ब्यौरा तलब किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की ओर से शनिवार को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि स्कूलों में जेबीटी के कितने पद स्वीकृत हैं, कितने पद रिक्त हैं, इसको लेकर सोमवार दोपहर 12 बजे तक जानकारी मांगी है। स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाने के विरोध में सदन में भाजपा की नारेबाजी, किया वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र के छठे दिन की बैठक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक से शुरू हुई। शनिवार को प्रश्नकाल के बाद यह तनातनी उस वक्त हंगामे में बदल गई जब राजस्व मंत्री ने दो अलग अलग विधेयक पारित करने के प्रस्ताव रखे। यह हंगामा भोजन अवकाश से पहले और बाद में हुआ। 50 लाख रुपये से ऊपर की जमीन की खरीद फरोख्त की रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी 8% करने के संशोधन विधेयक को पारित करने का विरोध करते हुए विपक्ष सदन में नारेबाजी करता रहा। इसके पारण को भोजन अवकाश के बाद के लिए स्थगित किया गया तो उस वक्त भी हंगामे और नारेबाजी के बाद भाजपा विधायक दल ने सदन से वॉकआउट कर दिया। अभिनेता आमिर खान ने आपदा राहत कोष में 25 लाख रुपए का अंशदान दिया। जब अभिनेता आमिर खान ने कोरोना का परिचय देते हुए आपदा राहत कोष 2023 के लिए 25 लाख रुपए की राशि का अंशदान दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आमिर खान के इस सहयोग के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त किया है। हिमाचल में सेब पैकिंग पर लागू होगा यूनिवर्सल कार्टन, अगले साल से शुरू होगी व्यवस्था। जो हिमाचल प्रदेश में अगले वर्ष से सेब पैकिंग में यूनिवर्सल कार्टन लागू होगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार इस संबंध में फैसला ले चुकी है। वह बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर के सवाल पर विधानसभा में यह जानकारी दी है। वह टेलीस्कोपिक कार्टन में सेब पैकिंग पर अब रोक लगेगी। बता दें कि सेब उत्पादकों की मांग पर सुक्खू सरकार ने यह निर्णय लिया है। वहीं बागवान लंबे समय से यूनिवर्सल कार्टन लागू करने की मांग करते आ रहे थे, जिस पर अब सरकार अगले साल से इसे लागू करने जा रही है। उधर प्रदेश से बाहर की मंडियों में भी किलो के हिसाब से सेब खरीदने के प्रयास किए जाएंगे और इसके लिए सरकार कानूनी लड़ाई लड़ने को भी तैयार है। इंतकाल तकसीम और बंदोबस्त में देरी पर होगी कार्रवाई, हिमाचल में पहली बार तय होगी डेडलाइन। जो हिमाचल में अब रेवेन्यू मामलों में देरी और बहानेबाजी नहीं चलेगी। राज्य सरकार ने 69 साल के बाद हिमाचल प्रदेश भू राजस्व एक्ट में बदलाव करने का बिल शनिवार को विधानसभा से विपक्ष के विरोध के बावजूद पारित करवा लिया। अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह लागू हो जाएगा। वह हिमाचल में पहली बार हुआ है कि रजिस्ट्री इंतकाल तकसीम से लेकर बंदोबस्त तक के लिए डेडलाइन तय हो गई है। वह राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विधानसभा में भू राजस्व अधिनियम संशोधन विधेयक रखा। इस बिल के जरिए भू राजस्व अधिनियम 1954 में 69 साल बाद परिवर्तन किया जा रहा है। इस दिन से शुरू होगा MD, MS और DNB की ऑनलाइन काउंसलिंग का तीसरा राउंड। जे MD, MS और DNB की ऑनलाइन काउंसलिंग का तीसरा राउंड अब 25 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए अटल मेडिकल एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय नेरचौक ने काउंसलिंग का संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है। वहीं इस राउंड में भी अगर सीटें खाली रहती है तो स्टे राउंड करवाया जाएगा। वह शेड्यूल के मुताबिक 25 और 26 सितंबर को तीसरे राउंड की काउंसलिंग में अभ्यर्थियों की ओर से आवेदन किया जाएगा। 27 सितंबर को तीसरे राउंड की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। 28 सितंबर को तीसरे राउंड की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। वहीं 30 सितंबर को खाली सीटों की स्थिति मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। राजीव बिंदल बोले, चौड़ा मैदान में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी भाजपा। राज्य भाजपा सोमवार को विधानसभा का घेराव करेगी और चौड़ा मैदान में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। इस संबंध में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधानसभा परिसर में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। वहीं बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार को 10 महीने पूरे हो चुके हैं, अभी तक यह सरकार पूरी तरह से फेल है। यह सरकार जन आकांक्षाओं के अपेक्षाओं के विपरीत चल रही है। सब जब से सरकार सत्ता में आई है तब से प्रदेश में विकास की गति घट रही है। वह जयराम ठाकुर ने जिस प्रकार प्रदेश में विकास को पंख लगाए थे, इस सरकार ने उन पंखों को काट दिया है। चंबा की दो बेटियों ने राज्य स्तरीय कुश्ती में जीते स्वर्ण पदक। जब मंडी जिला के सुंदर नगर में राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में चंबा जिले की दो बेटियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। टीम मैनेजर धीरज ठाकुर ने बताया कि 33 किलो वर्ग में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चंबा की महिमा कुमारी और 58 किलोग्राम वर्ग में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भांदल की अनन्या ठाकुर ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इन दोनों छात्राओं का राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। वह अनन्या और महिमा दोनों ही मध्य प्रदेश में होने वाली राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेंगी। और धीरज ठाकुर ने बताया कि
राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जडेरा की काजल ने 46 किलो वर्ग, कन्या विद्यालय चंबा की राशि शर्मा ने 54 किलो वर्ग और बघईगढ़ की छात्रा शालिनी ठाकुर ने कांस्य पदक हासिल किया। वहीं उपनिदेशक उच्च शिक्षा प्यार सिंह चाड़क और उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा सुमन कुमार मिन्हास ने छात्राओं को हार्दिक बधाई दी है। हिमाचल के इस जिले में भर जाएंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के पद, जाने आवेदन की अंतिम तिथि। जब बाल विकास परियोजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के पद भरे जाएंगे। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बाल विकास परियोजना ऊना के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के विभिन्न पद भरे जाएंगे। बाल विकास परियोजना अधिकारी कुलदीप सिंह दयाल ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र सादे कागज पर बाल विकास परियोजना अधिकारी ऊना के कार्यालय में 20 अक्टूबर शाम 5 बजे तक पहुँचना सुनिश्चित करें। वहीं कुलदीप सिंह दयाल ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास निर्धारित की गई है। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उम्मीदवार की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी का परिवार 1 जनवरी 2023 तक संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के लाभान्वित परिक्षेत्र यानी कि फीडर एरिया के सर्वेक्षण के अंतर्गत आता हो। सकराला ढली हिस्से का कार्य अक्टूबर में होगा शुरू, 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य। जे कालका शिमला फोरलेन के तीसरे चरण के कैथली घाट ढली यानी कि शिमला हिस्से का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। अब सकराला से ढली यानी कि मसोबरा जंक्शन तक के फोरलेन के हिस्से के निर्माण कार्य के लिए स्वीकृति यानी कि वर्किंग परमिशन मिलना बाकी है। वह राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पास 21.88 करोड़ रुपये जमा करवा दिए हैं। यह राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति की भरपाई यानी कि CA स्कीम के लिए दी है। वहीं NHAI ने 15 अक्टूबर से पहले यह निर्माण कार्य शुरू करने का लक्ष्य रखा है। पंजाब में हर साल जनवरी फरवरी में पुलिस भर्ती पासिंग आउट परेड में पहुंचे मुख्यमंत्री भगवंत मान का ऐलान। जे पंजाब के जालंधर के PAP ग्राउंड में शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे, जहां उन्होंने ग्राउंड में हुई पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर पंजाब पुलिस में नए भर्ती हुए करीब 2999 पुलिस जवानों ने अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद मुख्यमंत्री को सलामी दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ पंजाब पुलिस के DGP गौरव यादव भी मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पिछली सरकारों की कमियों को गिनाते हुए कहा कि पिछली सरकारें के समय नियुक्तियों का सारा सिस्टम ही गलत और अटकाने वाला था। इस अवसर पर मान ने अपनी आम आदमी पार्टी का गुणगान करते हुए कहा कि जब से पंजाब में आप आई है तब से राज्य में हर क्षेत्र में लगातार नियुक्तियां हो रही है। वह मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी आप सरकार ने एक नई व्यवस्था की है। कालका शिमला ट्रैक पर अगले माह से दौड़ेंगी ट्रेन, 30 सितंबर को होगा ट्रायल। जे कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर 1 अक्टूबर शिमला के लिए टॉय ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। वहीं भारी बारिश के चलते रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त होने से 9 जुलाई से शिमला के लिए रेल सेवा बंद पड़ी है। वहीं अक्टूबर से शुरू होने वाले पर्यटन सीजन से पहले ट्रेनें चलने से कारोबार को गति मिलेगी। वहीं रेलवे प्रबंधन के अनुसार 30 सितंबर को ट्रायल किया जाएगा। वहीं ट्रायल सफल होने पर कालका से शिमला तक रेलों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। अभी कालका से सोलन तक ही रेल की आवाजाही हो रही है। वहीं विंटर टूरिस्ट सीजन से पहले रेलवे ट्रैक दुरुस्त होने से राजधानी में पर्यटन सीजन के भी रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग ने जारी किया JBT के पदों का जिलावार ब्यौरा। जब प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने JBT के भरे जाने वाले 2521 पदों का जिलावार ब्यौरा जारी किया है। इसके तहत मंडी में JBT के सबसे ज्यादा पद भरे जाएंगे। इस जिला में JBT के 563 पद भरे जाएंगे, जबकि बिलासपुर में 164, चंबा में 214, हमीरपुर में 97, कांगड़ा में 416, किन्नौर में 25, कुल्लू में 98, लाहौल स्पीति में 32, शिमला में 367, सिरमौर में 155, सोलन 244 व ऊना में 146 पद JBT के भरे जाएंगे। वह विभाग के निदेशक की ओर से इस संबंध में सभी जिलों को पत्र जारी किए गए हैं। वह दूसरी तरफ विभाग ने 100 छात्र संख्या वाले मिडिल स्कूलों के काला और शारीरिक शिक्षकों के नियुक्ति करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। इन शिक्षकों को हाई और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में भरा जाएगा। वह साथ ही इसकी डिटेल्स रिपोर्ट भी देने को कहा गया है। छात्रों को 5 अक्टूबर तक बैंक खाता और आधार नंबर ठीक करवाने का मौका। जे केंद्र सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2021-22 के लिए छात्रों को 5 अक्टूबर तक बैंक खाता और आधार नंबर ठीक करवाने का मौका दिया है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर छात्र इसे दुरुस्त करवा सकते हैं। इस दौरान विभाग ने 32 छात्रों की सूची जारी की है। विभाग ने साफ किया है कि यदि उक्त तय अवधि में इन छात्रों ने आधार नंबर और बैंक खाता सही नहीं करवाया तो उन्हें छात्रवृत्ति राशि नहीं मिलेगी, उनके खाते में यह राशि क्रेडिट नहीं होगी। ऐसे में विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर हरीश अवस्थी की ओर से संबंधित शिक्षण संस्थानों को उक्त निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही पोस्ट मैट्रिक स्कीम OBC के लिए 11 छात्रों को आधार नंबर बैंक खाते से जोड़ने को कहा गया है।
दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल। आपका दिन शुभ हो।